हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, उसे अल्टर करना सीखा, उसे ड्रॉप करना सीखा और कुछ डेटा टाइप्स के प्रयोग से हमने टेबल्स क्रिएट की, ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करना सीखा। आज के लेक्चर में हम डीएमएल के कमांड सीखेंगे। इसमें चार मुख्य कमांड है, डिलीट करना, सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना और अपडेट करना। ये जो डिलीट कमांड है ये आपका डेटाबेस के अंदर में जो टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करने से संबंधित है। ध्यान रखिए, हम टेबल को डिलीट नहीं करेंगे, टेबल के डेटा को डिलीट करेंगे। टेबल के डेटा को सेलेक्ट करेंगे, टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे और टेबल के डेटा को अपडेट करेंगे। तो ये चार कमांड्स आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहला काम लॉगिन करना, पासवर्ड आपको भूलना नहीं है और पिछले जितने भी कमांड्स हमने दिए होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे देख सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में यहाँ से आप परसेंटेज को चाहें तो 100% कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे मैं इसे बड़ा छोटा कर लूँगा। अब ये आपकी स्क्रीन आ गई, स्क्रीन आने के बाद आप यहाँ पे हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि हमने कौन सा कमांड बनाया था। तो यहाँ पर हमने कमांड दिया था क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिसमें केवल दो ही फील्ड्स हैं। अब यदि हम इसमें चाहते हैं कि और इसमें कुछ फील्ड को ऐड करें तो हम अल्टर टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें वैर एस नेम, स्टूडेंट नेम, एस रोल नंबर है, तो मैं इसमें अल्टर टेबल की सहायता से इस ओके यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक यूज़फुल कमांड इसमें DESC होता है, डिस्क्राइब, जिसके द्वारा आप अपने टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया DESC और टेबल का नाम दिया, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इसमें एस नेम, एस रोल नंबर, एस सिटी तीन फील्ड यहाँ पे मौजूद है। तो आप जैसे इसमें कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं एस सिटी के अलावा, जैसे स्टूडेंट का मोबाइल, और इसे भी वेयर कैट टू रहने देते हैं और इसका 12 डिजिट या 13 डिजिट दे देते हैं। हम इसे रन करते हैं और एस मोबाइल नंबर जो है ऐड हो गया। तो ये हमारा टेबल जो है वो बन चुका है, जिसमें टोटल 4 फील्ड्स हैं। समय समय पर हम इसमें डेटा को डिलीट करते रहेंगे, डेटा को अपडेट करते रहेंगे और ये चीज़ें जो है आप किसी लेक्चर के दौरान सीखते रहेंगे, ताकि ये टेबल जो है हमारा एक बेस बना रहे अंत तक। इसी पर हम सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए सीखते हैं कि टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कैसे किया जाता है। इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ पे आपका टेबल का नाम आ जाएगा। इंसर्ट इनटू टेबल के बाद में पहले इसका सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ कि इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ पे टेबल की जगह में टेबल का नाम रहेगा, जितने कॉलम्स में आपको वैल्यूज़ इनपुट करनी है उनके नाम रहेंगे और यहाँ पर फिर आपको वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे कि ये इंसर्ट इनटू टेबल है तो यहाँ पे आप इंसर्ट इनटू टेबल की जगह में आप लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद में फिर आपके पास में जो जो कॉलम्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके पास नेम है, रोल नंबर है, सिटी है, मोबाइल है, तो आप उसे यहाँ पे एज इट इज़ जैसा सीक्वेंस लिखा है वैसा ही लिख दें। एस रोल नंबर सबसे पहले आता है, एस नेम, फिर आता है एस रोल नंबर, फिर आता है एस सिटी, देन आता है एस मोबाइल। इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पर वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बाद में आप यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ देना चाहते हैं उन वैल्यूज़ को ध्यान देंगे। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप वेरकेयर के लिए कोई वैल्यू दे रहे हैं, वेरकेयर टू के लिए टेक्स्ट वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको वैल्यू जो है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर में देना है। जैसे हम सभी का फेवरेट नाम जो है रमेश और सुरेश है, इसे सब जानते हैं रमेश और सुरेश को। इसका जो रोल नंबर है वो हम दे देते हैं 1001 और सिटी जो है दिल्ली, और मोबाइल नंबर जो है हम कुछ भी दे सकते हैं। तो 91 जो है वो इंडिया का कोड है। उसके बाद में फिर अगर ये नंबर किसी के मोबाइल नंबर के साथ मैच खा जाए तो मैं जवाबदारी नहीं लेता, तो मैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो जानबूझ के अलग दे देता हूँ, 42457854 56, इस तरीके से नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 4224268 और 210 डिजिट हो गई, और मैंने 13 इसलिए लिया था कि यहाँ पे प्लस साइन भी हम लगा सकें।
तो इस तरीके से आप वैल्यूज दे सकते हैं और इसे इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया कि वन रो इंसर्टेड। तो एक रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए आपको ये कमांड देना पड़ेगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और ये जो आपका टेम्पलेट है इसे आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब प्रत्येक बार यदि आपको और रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, तो जैसे रमेश सुरेश के बाद में आता रमेश, इसका रोल नंबर जो है अपन 2 दे देते हैं, मोबाइल नंबर में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं और इसे रन कर देते हैं। अब यहाँ पे 14 डिजिट हो गए हैं और हमने कितना लिया है, 13 लिया है। देखिए यहाँ पे एस मोबाइल में हमने प्रॉब्लम बता रहा है, तो यहाँ पे एक डिजिट को हम कम कर देते हैं और इसे दोबारा रन करते हैं। तो फिर से एक रो जो है इंसर्ट हो गई, इस प्रकार से हमने 2 रो इंसर्ट कर ली। अब रमेश सुरेश के बाद में मुकेश 1003 दिल्ली, और यहाँ पे हम इसका मोबाइल नंबर चेंज करके इसे भी इनपुट कर देते हैं। फिर इसी तरीके से मैं कुछ रिकॉर्ड्स को ऐड कर देता हूँ। तो काम यहाँ पे चल रहा है योगिता सुनीता वनीता, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने जितने भी रिकॉर्ड्स देखे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमन सुमन वनीता सुनीता योगिता योगेश मुकेश, रमेश को मैंने 2 बार दिया है और सुरेश जो है 1 बार में है। तो मैंने यहाँ पे 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। ये इसका टेम्पलेट है, इसे आप चाहें तो आपको नोटपैड की स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कमांड हो गया कि हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करते हैं, और ये हमारा DML का सबसे पहला कमांड है। DML में मतलब डाटा मैनिपुलेशन आप कैसे करते हैं। अब आता है इसमें से डिलीट करना, तो डिलीट बहुत ही सावधानीपूर्वक करेंगे, तो इसे हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं इंसर्ट, तो हमने सीख लिया। अब डायगोनली हम दूसरा कमांड देखते हैं सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आप अपने डेटाबेस में से जब डेटाबेस के जो वैल्यूज़ होते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद में फिर ऑल लगाने के लिए आप यहाँ पे स्टार साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे फ्रॉम, फिर आपका रहेगा स्टूडेंट का मतलब जो आपका टेबल का नाम है वो रहेगा। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब होता है कि यह इस टेबल में से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट करते हैं फिर रन करते हैं, मैंने सिलेक्शन नहीं किया था इसलिए वो कमांड नहीं चला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सुरेश रमेश मुकेश योगेश 2 बार दिख रहा है, योगिता सुनीता वनीता सुमन अमन, और ये सारे इसके क्या हैं, सिटी हैं। तो ये आपका जो है पूरा रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है, रिकॉर्ड के साथ साथ आपको जो आपने फील्ड दिया हुआ है, रोल नंबर है, सिटी है, मोबाइल है, और SNM में ये सारी चीज़ें भी दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन कमांड। सिलेक्शन कमांड के बाद में बीच में ही मैं आपको एक क्लॉज बताना चाहूँगा, जो क्लॉज जो है हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्लॉजेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको DDL, DML और DCL नहीं देखना है, आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्लॉज है इसे आप अपनी कॉपी में लिस्ट बना लें। सबसे पहला जो हम क्लॉज सीख रहे हैं उसे वेयर क्लॉज बोला जाता है। वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये थोड़ी सी इंग्लिश ऐसी है कि आप यदि सुनना चाहते हैं कि आप ऐसे रिकॉर्ड चुने जिनके शहर के नाम जो है दिल्ली है, ऐसे रिकॉर्ड चुने जिनके शहर के नाम बिलासपुर हैं, ऐसे रिकॉर्ड चुने जिनका शहर का नाम भोपाल है, तो जहां आपको लिखना है तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर। कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको सबसे पहले कमांड लिख देना है पूरा का पूरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के बाद में आपको लिखना है वेयर सिटी। जैसे हमारे पास में सिटी नाम का कॉलम है, तो यहाँ पे एस सिटी हमारे कॉलम का नाम है, अब एस सिटी लिखेंगे इज इक्वल टू जो भी आपकी कंडीशन है। तो इसका जो सिंटैक्स बना वो इस तरीके से बना, पहले तो मैं इसे पूरा कर देता हूँ, जैसे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली है, तो दिल्ली से जितने भी लोग हैं ये केवल उन्हीं से सेलेक्ट करेगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट कॉलम्स, जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर, आपकी जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स, और ये आपके कॉलम्स हो गए। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो अभी इसका उदाहरण देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो बने रहिए। देखिए सेलेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे वेयर एस सिटी इज इक्वल टू जो आपकी सिटी है वो है दिल्ली, यदि आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे दिल्ली लिखें, और
इसमें क्लिक करें। तो देखिए अभी जो रिजल्ट आ रहा था इसके पहले उसमें सारे रिकॉर्ड थे, अब जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास में उसमें केवल दिल्ली ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप सिटी के अलावा आप रोल नंबर चुन सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल नंबर चुन सकते हैं या तो नाम। तो ये एक तरीके का फ़िल्टर आपने लगा दिया, और फिल्टर करने से क्या होता है कि आपके रिकॉर्ड जो हैं वो कम हो जाते हैं। एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि उसका केवल नाम देखें तो यहाँ पे स्टार की जगह में आप यहाँ पे एस नेम लिखेंगे डायरेक्टली, तो ये केवल किसको सेलेक्ट करेगा, उसके नाम को ही सिलेक्ट करेगा, दूसरी किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेगा। यदि आप सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट केवल इतना ही लिखते हैं तो ये केवल क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा केवल नाम को, वो भी पूरे टेबल से जितने नाम है केवल वो। यदि आप यहाँ पे लिखते हैं एस रोल नंबर, ये हमारे रोल नंबर वाले फील्ड का नाम है, तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल रोल नंबर ही लिखेगा। और यदि आप इंडिविजुअल अलग अलग रोज को चुनना चाहते हैं, अलग अलग कॉलम को चुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉमा से उसे सेपरेट कर सकते हैं, सेलेक्ट एस नेम एस रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार से दिखाएगा। अब इसके बाद में यदि आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेयर सिटी इज इक्वल टू भोपाल, तो केवल भोपाल के स्टूडेंट्स का ये रोल नंबर और नाम दिखाएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, ये सिटी जो है एस सिटी है, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड आइडेंटिफायर नाम की एरर आई, सिटी को इनवैलिड बोल रहा है, इसलिए आप सिटी पे ध्यान देंगे देखेंगे। रन करते हैं, नो डाटा फाउंड बोल रहा था। यहाँ पे भोपाल से कोई भी एस नेम और एस रोल नंबर नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिटी चेंज करके देखता हूँ जबलपुर डाल के, रन करते हैं, जबलपुर से भी नहीं है, और यहाँ पे केस सेंसिटिव वाली बात है तो आप यहाँ पे रन करिए, तो ये इस प्रकार से चलेगा। तो जबलपुर का जे बड़ा होने की वजह से हमें रिकॉर्ड जो है सामने नहीं आ रहा था। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि कोई भी चीज़, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी चीज़ आपकी मिसकरेक्ट नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको जो है मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि आप डेटाबेस इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्लॉज और उसमें वेयर क्लॉज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बात समझ में आई होगी। इस वेयर क्लॉज के साथ में बहुत सी कंडीशंस लगती हैं, और इन कंडीशन को लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को फिर से थोड़ा सा अल्टर करेंगे, ताकि हम इसमें और बहुत सारे रिकॉर्ड्स डाल सकें और इसे आगे बढ़ा सकें। तो ये जो कंडीशन वाली चीज़ है इसे मैं अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में कवर करूँगा। तो ये जो कंडीशन वाली चीज़ है ये हम अगली बार देखेंगे। अभी आपको इंसर्ट करना और कॉलम्स को सेलेक्ट करना और वेयर क्लॉज को इजीली इस्तेमाल करना समझ में आया होगा। हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हैं कि आज हमने कौन कौन से कमांड्स जो हैं वो दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपडेट करना। तो अपडेट कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। तो अपडेट कमांड भी बहुत आसान है, लेकिन इसे बिना वेयर के इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, अन्यथा क्या होगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अपडेट करने के लिए ये आपकी क्वेरी है कि आपको लिखना है अपडेट आपके टेबल का नाम, आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो लिखेंगे, और चेंजेस करने के बाद में कंडीशन लगाना इसमें आवश्यक है। यदि आप कंडीशन नहीं लगाएंगे तो भी काम तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स के बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने लिखा अपडेट स्टूडेंट, और आपने लिखा सेट एस सिटी इज इक्वल टू भोपाल। अब आप चाहें तो केवल इतना ही लिख के क्या कर सकते हैं, कमांड को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा ये सोचिए। आप यदि इतना लिख के चला देंगे तो स्टूडेंट नाम की टेबल में जितने भी यहाँ पे शहर हैं उन सब का नाम क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको क्या देना ज़रूरी है, कंडीशन देना ज़रूरी है। आप यहाँ पे ये बताएं कि आखिर किसका आपको सिटी जो है वो भोपाल करना है। जैसे मान लीजिए, पहले तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये लिखने के बाद हम इसे चलाते हैं। तो यहाँ पे अधिकांश शहरों के नाम जो हैं वो क्या हैं, दिल्ली हैं। अब मैं यदि क्या कर दूँ, अपडेट कर दूँ सभी को भोपाल से, तो सबके सब शहर के नाम क्या हो जाएंगे, सिटी के नाम हो जाएंगे भोपाल। तो यहाँ पे भोपाल केवल एक है।
अब मैं चाहता हूँ कि जो योगिता है ये रायपुर है, इसमें लिखा हुआ है, मैं इन रायपुर को क्या कर दूँ, दोनों रायपुर को क्या कर दूँ, भोपाल कर दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि जहाँ पे नाम क्या है, या तो योगिता है या तो सुनीता है, या रोल नंबर क्या है 1005 और 1006 है। ये ज़्यादा आसान तरीका है कि एस सिटी का नाम क्या है, रायपुर है। तो देखिए इसे हम कैसे देंगे, वेयर एस सिटी इज इक्वल टू रायपुर। चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं चलता है कि नहीं। तो अपडेट स्टूडेंट सेट एस सिटी इज इक्वल टू भोपाल, वेयर एस सिटी इज इक्वल टू रायपुर। तो यहाँ पे आपके पास से मैसेज आया दो रोज अपडेटेड। तो अब हम फिर से वही पुराना जो कमांड हमने दिया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये करके देखते हैं कि यहाँ पे जो रायपुर था वो क्या बन गया, भोपाल बन गया। योगिता और सुनीता कहाँ के हो गए, भोपाल के हो गए। तो अब अगर आप दोबारा ये कमांड देने की कोशिश करेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट एस सिटी भोपाल वेयर एस सिटी इज इक्वल टू रायपुर, तो ये कमांड नहीं चलेगा, क्योंकि अब रायपुर नाम का कोई शहर आपके टेबल में मौजूद ही नहीं है। तो आप उसको जब था तब तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसा कुछ किया अपडेट स्टूडेंट सेट एस सिटी इज इक्वल टू भोपाल और क्या कर दिया, रन कर दिया, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 10 के 10 रोज़ क्या हो गए, अपडेट हो गए। और इसका मतलब ये हो गया कि सभी के शहर का नाम अब क्या बन चुका है, भोपाल बन चुका, सब भोपाल के बन गए। तो इस चीज़ को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कमांड है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कमांड है। और अभी हमने DCL कमांड भी नहीं सीखा है कि हम इसे रोल बैक कर सकें या कमेंट कर सकें, वो आगे हम देखेंगे। पर फिलहाल मैं आपको इसकी सिंसेरिटी बता रहा हूँ इस कमांड की, कि अपडेट कमांड को इस्तेमाल आप वेयर क्लॉज के साथ ही करें, क्योंकि वेयर कंडीशन इसमें भले ऑप्शनल आपको लिखा है, लेकिन आप डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। और आप मल्टीपल कॉलम को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक साथ अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भी सिर्फ सिटी को अपडेट किया, आप रोल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं आप चाहें तो। तो ये सब काम कब काम आता है, जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में यदि आपको डाटाबेस का किसी चीज़ को, नाम को अपडेट करना है, एड्रेस को अपडेट करना है, मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, जहाँ पे उसका आधार नंबर है, तो आप वेयर कंडीशन में उसका आधार नंबर दे सकते हैं। तो इस तरीके का आप अपडेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आज हमने 3 कमांड को कवर किया, सेलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट। अब आखिरी कमांड बच जाता है डिलीट। तो डिलीट करना बहुत आसान है। डिलीट के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर आपको यहाँ पे कंडीशन लगा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो जो नाम है एक जैसे हो गए, योगेश, योगेश इसका रोल नंबर भी सेम है और ये भोपाल भी सेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेयर एस नेम इज इक्वल टू यहाँ लगा देता हूँ योगेश। तो योगेश का जो डाटा है इस टेबल से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रन करते हैं, यहाँ पे देखिए मैसेज आया 2 रोज आर डिलीटेड। अब हम यहाँ से जब सेलेक्ट करके देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमको केवल कितने रिकॉर्ड दिखाई देंगे, 8। तो ये थे आज के लेक्चर के कुछ छोटे छोटे कमांड्स। और डिलीट का यहाँ पे मैं सिंटैक्स आपके लिए लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल और उसके बाद में फिर आपको लगाना है वेयर कंडीशन आपकी जो भी हो। तो इस प्रकार से आप DML कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। अगले इसी के पार्ट में लेक्चर नंबर 4 में हम कंडीशंस लगाना सीखेंगे, और साथ ही साथ मैं अपनी टेबल को थोड़ा सा अपडेट करूँगा, आपको बता दूँगा, पहले एक्सप्लेन कर दूँगा कि मैंने इसमें क्या क्या अपडेशन किया है, और उसके पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए डेटाबेस के इस लेक्चर सीरीज़ में। अगर लेक्चर पसंद आया हो, ये सारे DML कमांड्स आपको समझ में आए हों आसानी से, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ, और बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन पे आप अपने सवाल को लिख सकते हैं, आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, यदि कुछ छूट गया हो तो बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।